हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। साधकों, शिव साधना यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे भले होंगे। तो आज हम आपको एक मंत्र देने वाले हैं पूरी विधि विधान के साथ, जो मुझे एक अघोर पंथ के शिरोमणि जो थे, जिन जो गुरु कह सकते हैं अघोर पंथ के, उनसे हमें प्राप्त हुआ था। और ये मंत्र हमारा एक बार का नहीं, कम से कम हजारों बार प्रयोग किया हुआ मंत्र है और हर बार रिजल्ट देता है। ऐसा कभी नहीं गया कि ये मंत्र खाली गया हो। जब जब हमने प्रयोग किया तब तब रिजल्ट मिला, ठीक है। तो ये मंत्र जो है, हमने जब भी प्रयोग किया तब तब हमें रिजल्ट मिला है। आप भी इसे उपयोग करें। और हाँ, एक बात याद रखें कि कोई भी मंत्र हो, कोई भी शक्तियाँ हों, उन्हें आप अच्छे और भले कामों में यूज करें। अगर गलत कामों में आप यूज करेंगे तो वो शक्तियाँ या तो काम नहीं करेंगी, अगर काम करती हैं तो करने के बाद ये जान लीजिए कि कल के दिन आपसे बड़ा भी कोई साधक होगा, आपसे बड़ा भी कोई तांत्रिक होगा, तो वो अगर आपके ऊपर वो प्रयोग कर देगा तो आप कैसे बचेंगे और क्या कर लेंगे आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए आप करें। अब आपको चलिए आइए जानते हैं विधि के बारे में। तो आपको करना क्या है, कोई भी शुभ रात्रि हो, जैसे कि होली, दिवाली, अमावस्या, ग्रहण, इसे अमावस्या में भी कर सकते हैं, और सावन चल रहा है अभी तो आप अमावस्या में कर लें, अति उत्तम होगा। या सावन में आप नॉर्मल दिन में भी कर सकते हैं, और अगर नॉर्मल दिन में आप करते हैं तो 21 दिन की होती है ये साधना। और अगर आप अमावस्या किसी अन्य दिन में करते हैं तो ये मात्र एक रात्रि में सिद्ध हो जाती है। इसमें चढ़ाया क्या जाता है, अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ ले लेते हैं। सबसे पहले आपको लेके जाना क्या है, शराब लेके जानी है। शराब आप देशी विदेशी कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। शराब ले लेनी है, मिठाइयाँ ले लेनी है, 5 प्रकार की 5 मीठे ले लेना है, ठीक है। एक घी का दीपक ले लेना है, एक सीसी इत्र ले लेना है, एक माला ले लेनी है, ठीक है। ये सब लेके आपको चले जाना है शमशान में। अब शमशान में या शमशान में जाने के बाद आपको करना क्या है कि दीपक को माता काली के नाम से जलाना है। गुलाब की माला लेके जाएं तो अति उत्तम है। माता जो है, माता काली को जो है, शमशान काली को आप अर्पित करें माला, एक दीपक अर्पित कर दें माता को, और माता से आप बता दें कि माता हम इस मंत्र को जागृत करने के लिए आए हैं और ये के लिए हम आप बता सकते हैं। और बताने के बाद इस मंत्र को आप बैठ के वहाँ पर जाप करें। आसन आपका काला होगा, वस्त्र आपके काले होंगे, हकीक की माला आप ले जाएं अति उत्तम होगा। अगर हकीक की माला नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला भी कर सकते हैं। आपको उस रात्रि में इस मंत्र का 10,000 जाप करना है। 10,000 जाप करने के बाद आपको हवन करना है, ठीक है। 108 बार आहुतियाँ आपको हवन की देनी है। ये मंत्र आपका हो जाएगा सिद्ध। अब जान लेते हैं कि इसे प्रयोग कैसे करना है। इसे प्रयोग जो है, देखिए, उस व्यक्ति के पैर की मिट्टी से किया जाता है या उसके कपड़ों से। दो ही चीज़ों पर प्रयोग होता है, तीसरी चीज़ों पर कोई इसका प्रयोग नहीं होता। तो या तो मिट्टी पे आप कर लें पैर की, या तो उसके कपड़ों पे कर लें। करना क्या है, अगर मिट्टी पे करते हैं तो वो मिट्टी उसकी लाएंगे सामने, आप सामने रखेंगे और इस मंत्र को आप 11 माला जाप करेंगे। एक घी का दीपक जला लेंगे और 11 माला उस मिट्टी को सामने रख कर जाप करेंगे। और जब एक एक माला करने के बाद उस पर मिट्टी पर फूंक मारते रहेंगे हल्की हल्की। यह आपको प्रक्रिया 3 दिन करनी है। 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो भी कार्य होगा, वशीभूत करने वाला, वाशीकरण करने वाला, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। अब आते हैं कि कपड़े के ऊपर कैसे करना है। तो कपड़े के ऊपर करने के लिए क्या है कि आपको इत्र ले लेनी है। इत्र लेने के बाद उस व्यक्ति के जो कॉलर होती है ना, कॉलर में इत्र लगाना है उसके। अगर लेडीज है तब भी उसका कॉलर होता है, वहाँ पर लगा देंगे। अगर लेडीज है तो उसके पेट के पास लगा सकते हैं, जो नाभि होती है ना, नाभि के पास, उसके मतलब जो आगे का हिस्सा है वहाँ पे कपड़े में लगा दीजिए, ठीक है। और वही प्रक्रिया होगी, 11 माला जाप, नाम लड़की का जो भी है वो आप बोल लेंगे, ठीक है। और मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। आप मंत्र देख लें और देखकर उसको जागृत कर लें। जागृत करने के बाद इसका भले और अच्छे कामों में प्रयोग करें। आशा करता हूँ साधकों आपको हमारी बताई गई जानकारियाँ पसंद आती होंगी और आप उस जानकारियों से लाभ उठा रहे होंगे। चलता हूँ साधकों, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।